ऐसे नींद खुलनी चाहिए अपनी नहीं बीजेपी और कांग्रेस वालों। आप जब ऐसे नारे लगाते हो तो बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, नींद खुल जाती है उनकी, और इसी नींद से उनको जगाना है, क्योंकि पिछले 55-56 साल से नींद में सोए हुए हैं। आप हर बार वोट डाल के आते हो कि इस बार शायद हमारे बच्चों की नौकरी लग जाए, इस बार शायद बिजली 24 घंटे आने लग जाए, इस बार शायद पीने का पानी घर घर पहुंच जाए, इस बार शायद सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएं, इस बार शायद सरकारी अस्पताल अच्छे हो जाएं, शायद सड़कें बन जाएं। हर बार इस उम्मीद के साथ वोट डाल के आते हो, और पिछले 55-56 साल से इन नेताओं ने सोने के अलावा कुछ भी नहीं किया, सो रहे हैं अपने एसी कमरों में, आराम से सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है, आपकी नब्ज पता है इन लोगों को, ये चुनाव से पहले आपको कैसे बेवकूफ बनाना है ये जानते हैं, कैसे आपको जात पात के फेर में डाल देना है, कैसे धर्म के फेर में डाल देना है, कैसे एक दूसरे से लड़वा देना है, कैसे वोट हासिल करना है, ये इन लोगों ने पिछले 55-56 साल के तजुर्बे से सीख लिया। इसलिए सिर्फ चुनाव के वक्त आपके पास आते हैं और उसके बाद अपने एसी कमरों में ले जाके सो जाते हैं आराम से। लेकिन ये जो इनकी सेटिंग थी कि या तो मैं जीत जाऊंगा नहीं तो सामने वाली पार्टी जीत जाएगी, ये कांग्रेस और बीजेपी पिछले 55-56 साल से यही खेल खेल रहे हैं। 25 साल तक हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का राज रहा है। कितने साल तक? कितने साल? 25 साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा है। क्या दे दिया आपको? क्या दे दिया कांग्रेस पार्टी ने आपको? हरियाणा वालों ने क्या कसूर किया? हमारी बिजली फ्री क्यों नहीं है? एक ही कसूर किया, और वो भी आपने नहीं करा, आपकी उंगली से हो गया। एक कसूर हुआ, मशीन के ऊपर जब बटन दबाने जाते हो तो गलत बटन दबा दिया इस उंगली ने, उसको 5 साल तक भुगतते हो आप, 5 साल तक अपनी ये गलती भुगतते हो, और उसके बाद अगली बार फिर जात पात या धर्म के फेर में आके फिर से वही गलती कर देते हो, 5 साल बाद फिर वही गलती कर देते हो। कभी हाथ के निशान पे बटन दबा देते हो, कभी कमल के निशान पे बटन दबा देते हो, फिर 5 साल तक परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, लाइनों में लगा दिया जी, प्रॉपर्टी आईडी का काम ये कर दिया जी, इन्होंने तो फैमिली आईडी में ये गड़बड़ कर दी जी, पेंशन रोक दी, कार लाइन में लगे पड़े सब अपने कागज ठीक कराने के लिए। हम हैं, हमारी पेंशन है, हम महिला है, हम पुरुष है, ये साबित करने के लिए भी हमको डीसी ऑफिस में लाइन में लगना पड़ता, ऐसी हालत कर दी हमारी। किसी का बिजली का बिल बढ़ा हुआ आ गया, 50,000 रुपए दे दिया, लाइन में लगा हुआ है, बिल ठीक कर दो जी, बिल ठीक कर दो जी, बिल ठीक। क्या जरूरत है ऐसे लोगों को वोट देने की, मुझे समझ नहीं आया आज तक, क्यों वोट देते हो इन लोगों को? क्या सोच के वोट देते हो? किस गलत फहमी में वोट देते हो? आपके लिए काम करेंगे? अगर काम करना होता तो 25 साल कांग्रेस को मौका मिला और 9 साल बीजेपी को मौका मिला, जिसको काम करना होता है वो इतने टाइम में कर देता है। नहीं समझ में आए मेरी बात तो कल सुबह आजमा के देख लेना, सुबह सुबह लग जाना अपने घर के एक कमरे से, हाथ फेरने लग जाना फर्श पे, और ये देखना कि क्या हाथ से घर साफ हो सकता है, शाम तक भी लगे रहोगे तो हो जाएगा। दूसरा, कमल का फूल खरीदना मार्केट से और उसको सुबह सुबह घर में लगाना शुरू कर देना, सुबह से ही शाम तक घर साफ हो जाएगा? हो जाएगा क्या? किससे होगा घर साफ? किससे? झाड़ू से ही घर साफ हो सकता है, और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार साफ हो सकता है, और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं। इसलिए जिस दिन आप अपनी इस उंगली से झाड़ू का बटन दबाना सीख जाओगे, उस दिन आपके बच्चों का, आने वाली नस्लों का नसीब सुधर जाएगा। आज मेरी बात नोट करके रख लेना, जब तक आप ये सीखोगे नहीं तब तक आपके सारे कष्ट इसी तरीके से रहेंगे। एक ही चीज करनी है और एक ही मौका मांगते हैं हम आम आदमी पार्टी की तरफ से। दोबारा नहीं आएंगे आपके बीच में कोई गलत झूठ बोलने, जुमला फैलाने, दोबारा कुछ गलत बात करके वोट मांगने। दोबारा जब आपके बीच में आएंगे तो सीना चौड़ा करके ये कह के आएंगे कि काम किया हो तो वोट देना, वरना वोट मत देना। तो एक मौका तो बनता है,
आपकी जिंदगी में कोई सुधार नहीं हुआ 55-56 साल हरियाणा को बने हुए और सारी पार्टियों को आपने आजमा लिया, तो एक मौका तो अरविंद केजरीवाल को बनता है उस शख्स के लिए जो आजादी के 75 साल बाद खड़ा हुआ इस बात को लेके कि आम लोगों को उनकी सारी सहूलियत की चीजें मिलनी चाहिए। अगर उनको जेल में डालने की धमकी देते हैं तो भी नहीं डरते, गोली मारने की धमकी देते हैं तो भी नहीं डरते, लाठी मारने की धमकी देते हैं तो भी नहीं डरते, आपके लिए डटे खड़े हैं कि आपको बिजली दिलाऊंगा मुफ्त में, आपको पानी दिलाऊंगा, आपको अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा, आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाऊंगा, जैसी विदेशों में होती हैं वैसी सुविधाएं अपने बच्चों को मिल सके, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उनका आपका फर्ज है उनके हाथ मजबूत करना, आपका फर्ज है उनके हाथ मजबूत करना। वो आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, आपको उनके लिए लड़ना पड़ेगा, उनके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि मौके ऐसे बार बार आते नहीं है। 250 साल की गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ था, जब बाबा साहब अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, भगत सिंह जी एक साथ सारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खड़े हुए, हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन ये मौका आने में 250 साल लग गए थे, 250 साल। अब 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, 75-76 साल हो गए, कोई नहीं आया आपके बीच में ये बात करने के लिए कि तुम्हारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे दूंगा, अच्छी बिजली दे दूंगा, पानी दे दूंगा, कोई बात करने नहीं आया आपके बीच में ये सब। 75 साल के बाद एक शख्स खड़ा हुआ है जो ये कह रहा है किसी भी कीमत पे आपको मूलभूत सुविधाएं दे के रहूंगा जिनसे आपको वंचित किया गया। ये मौका चूक गए, पता नहीं अगले 75 साल में ये मौका दोबारा आएगा या नहीं आएगा। ऐसे लोग दशकों के बाद, सदियों के बाद पैदा होते हैं जिनमें इतना संघर्ष करने की ताकत हो। क्या नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ। मनीष सिसोदिया जी को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया क्योंकि उन्होंने अच्छे स्कूल बनाए दिल्ली के अंदर। सत्येंद्र जैन जी को सिर्फ इसलिए जेल में डाल रखा है क्योंकि उन्होंने अच्छे अस्पताल बना दिए दिल्ली के अंदर। अरविंद केजरीवाल को कभी सीबीआई बुलाती है, कभी कोई धमकी देते हैं, कभी आरोप लगाते हैं, कभी कोई केस कर देते हैं। अकेला शख्स है, 2-3 दिन पहले मैं सुन रहा था दिल्ली की विधानसभा में बोल रहे थे, बोले कोई माइक का लाल पैदा नहीं हुआ इस पूरी दुनिया में जो अरविंद केजरीवाल को झुका सके या तोड़ सके, कोई पैदा नहीं हुआ ऐसा शख्स। और किसके लिए लड़ रहे हैं, खुद तो अच्छे भले ऑफिसर थे, जरूरत नहीं थी किसी और चीज की, अच्छी सुविधाएं थी। किसके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं ताकि अगली जनरेशन खराब नहीं हो। आज क्या हालत है हरियाणा में, 25 लाख युवा बेरोजगार हैं, 25 लाख बम के ढेर पे, बारूद के ढेर पे बैठा है हरियाणा, बारूद के ढेर पे। जिस जगह 25 लाख युवा बेरोजगार हो वो प्रदेश बारूद के ढेर के ऊपर बैठा हुआ है। किसी भी दिन इन युवाओं को क्या काम है, कोई काम नहीं है, कोई नौकरी मिल नहीं सकती। क्यों नहीं मिल सकती वो भी बताता हूं मैं आपको। ये झूठ बोलती है सारी सरकारें जो ये कहती है कि ये नौकरी दे देंगे, इनके बस की बात नहीं है। 1,82,000 सरकारी पद खाली है हरियाणा सरकार के अंदर। खट्टर साहब के कान पे जूनी रेंगती नहीं तो एक दिन की बात है, 1,82,000 पद निकालें, एक महीने के अंदर 1,82,000 पद भर दें, हमारे युवाओं को नौकरी मिल जाएंगी, करीब करीब 2 लाख परिवार बच जाएंगे, 2 लाख परिवार बच जाएंगे। जूनी रेंगती उनके कान पे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि इनकी नीयत नहीं आपके बच्चों को नौकरी देने की, भीड़ बना के रखना चाहते हैं आपको ताकि अपनी रैलियों में इस्तेमाल कर सकें। 26 लाख बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं हरियाणा के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात, 26 लाख बच्चे हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनमें से 18 लाख बच्चे या तो 12वीं से पहले पढ़ाई छोड़ देते हैं या 12वीं से पहले फेल हो जाते हैं। 18 लाख बच्चे, सोच के देखो आप, 18 लाख बच्चों ने 12वीं नहीं करी, ऐसे इन्होंने स्कूल ही नहीं बनाए जिसमें 12वीं कर सके हमारे बच्चे। जब 12वीं नहीं करेंगे तो नौकरी कहां करेंगे, रोजगार कैसे मिलेगा, कैसे कमाएंगे, कैसे अपने परिवार को पालेंगे। और ये खट्टर साहब के दिमाग में ऐसे ऐसे खुराफात आती है, कहते हैं कि जिनकी शादी नहीं हुई उनको 2,500 रुपए पेंशन दूंगा, ऐसी ऐसी बात बोलते हैं। मैंने इनको तब भी कहा था, मैंने कहा भाई फिर इस पे 45 साल का उम्र क्यों लिख दी, ये ऊपर वाली उम्र हटा दे, तू भी इसी में आ जा, तू भी ले ले ऐसी पेंशन मिलती है तो। 9 साल पहले अगर बच्चों को नौकरी दी होती तो इतने कार्ड जाते खट्टर साहब के यहां, 9 साल शादी अटेंड करते करते परेशान हो जाते, लेकिन वो नहीं किया गया। इन बच्चों को कुंवारा रखने का दोषी भी यही भारतीय जनता पार्टी है।
इन बच्चों का घर नहीं बसने दिया, इसी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बसने दिया। अब उनके जख्म के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं, कह रहे तुम्हारा शादी नहीं हुई, तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ, 2500 रुपए दूंगा तुमको। क्या करोगे भाई 2500 रुपए में? क्या करेंगे 2500 रुपए में? एक अकेला आदमी भी बिना ब्याह हुए भी बिना परिवार बसाए भी कमरे में सोएगा अगर और बत्ती जला ली और पंखा चला लिया तो भी 2500 रुपए बिल आ जाता है हरियाणा के अंदर। क्या करेगा 2500 रुपए में? क्यों मजाक उड़ा रहे हो युवाओं का? क्यों नौकरी नहीं दे सकते उनको? एक पेपर नहीं ढंग से होता इनसे, एक नौकरी का पेपर ढंग से नहीं होता खट्टर सरकार से। और जब बाढ़ आई यहां पे, अपने यहां तो फिर भी कम, बाढ़ जब आई हरियाणा के 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो यही खट्टर सीएम साहब थे हेलीकॉप्टर में बैठ के ऊपर घूम के बोले हाँ देख लिया, डूबे हुए हैं, मरे हुए हैं, देख लिया ये हालत है। ऊपर से देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से क्या पता चलेगा इनको? जिसका मकान टूट गया उसका दर्द क्या है? हेलीकॉप्टर से कैसे पता चलेगा जिसका खेत डूब गया उसका दर्द क्या है? हेलीकॉप्टर से कैसे पता चलेगा जिसके यहां का कोई इंसान चला गया उसका दर्द क्या है? और हमको ये उम्मीद थी, मैं सही बताऊं, मैं ये सोच रहा था अब ये खट्टर साहब तो हेलीकॉप्टर से घूम के चले गए, विपक्ष में जो बैठे हैं वो कम से कम लोगों का दुख दर्द जानने जाएंगे जिनको हमने विधानसभा में विपक्ष में भेज रखा है। लेकिन अगले दिन अखबार में खबर आई भूपेंद्र हुड्डा जी जहाज से जायजा लेंगे बाढ़ का, वो भी बैठ के जहाज में। तो ये भी हवा में, वो भी हवा में, सत्ता पक्ष भी हवा में, विपक्ष भी हवा में, आम आदमी कहां जाए? सिर फोड़ ले दीवार में जाके अपना, क्या करे आम आदमी? ना सत्ता पक्ष पूछने जा रहा, ना विपक्ष पूछने जा रहा, आम आदमी पार्टी इस बिजली आंदोलन के जरिए गांव गांव गई, घर घर गई। हमने आप लोगों का यही दुख दर्द समझने की कोशिश की कि अगर दिहाड़ी मजदूर कोई है और उसके घर में अगर 1000-2000 का बिजली का बिल आ जाता है तो उसके सामने संकट ये होता है कि ये बिजली का बिल भरूं या अपने बच्चे को एक खिलौना खरीद के दे सकूं, इनके बीच में लड़ाई हो जाती है। कई बार ये संकट हो जाता है कि बिजली का बिल भरूं या ये खाने की चीज ले आऊं अपने बच्चों के लिए, इसके बीच में लड़ाई हो जाती है, इसके बीच में समझ नहीं आता। ऐसी स्थिति को समझने के लिए आम आदमी पार्टी ने बिजली आंदोलन शुरू किया और मुझे फख्र है इस बात का, मुझे खुशी भी होती है, आप लोगों ने हमें सर आंखों पर बिठाया। 20 लाख घरों में हरियाणा के हम इस बिजली आंदोलन के जरिए पहुंचे, एक एक व्यक्ति ने ये कहा कि आपकी बात जायज है, ये बिल हमने वहां भी दिखाया, सबको बांटे। जब वहां पे बिजली का बिल जीरो आ सकता है तो यहां क्यों नहीं आ सकता, मेरा एकमात्र सवाल ये है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजते हैं, उसमें क्या भेजते हैं कि ये केजरीवाल फ्री दे दे के देश बर्बाद कर देगा, भेजते कि नहीं भेजते? लिखते हैं मैसेज, नहीं लिखते? एक ही बात फैला रखी है इन्होंने कि फ्री दे के ये लोग देश बर्बाद कर देंगे। आज मैं इनकी पोल खोल के जा रहा हूं आपके सामने, ध्यान से सुनना और याद रखना, अगली बार जब कोई कहे तो उसको आईना दिखा देना, उसको असली सूरत दिखा देना उसकी। ये कहते हैं फ्री दे के देश बर्बाद कर दे, क्या फ्री देते हैं भाई दिल्ली के अंदर? हम क्या फ्री देते हैं दिल्ली के अंदर? बिजली फ्री देते हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर पानी फ्री देते हैं घर घर में, दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी शिक्षा मुफ्त मिलती है, दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पताल में 10 रुपए की दवाई या 10 लाख का ऑपरेशन हो मुफ्त मिलता है, दिल्ली के अंदर महिलाएं बस में सफर करें कोई टिकट नहीं लगती, महिलाओं को मुफ्त सफर मिलता है दिल्ली के अंदर बसों में, और बुजुर्ग अगर तीर्थ यात्रा पे जाना चाहें तो अपनी पसंद के किसी भी तीर्थ पे जाओ, रहना खाना पीना आना जाना सब कुछ दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, तीर्थ यात्रा फ्री मिलती है दिल्ली के अंदर। और सबसे बड़ी बात जिस पे मुझे फक्र है अपने नेता पे भी और अपनी पार्टी पे भी, आजाद हिंदुस्तान में किसी ने नहीं सोचा कि शहीदों के परिवार का क्या होता है उनके चले जाने के बाद। सीमा पे जब गोली खाता है हमारा जवान पलट के नहीं देखता, छाती पे गोली खाता है, ऐसे जवान जब शहीद होते हैं इन पार्टियों ने क्या परंपरा बना रखी थी, कहीं पुतला लगा देते हैं उनका, कहीं चौराहे का नाम रख देते हैं, कहीं सड़क का नाम रख देते हैं उनके नाम पे, कोई नहीं संभालता बाद में उसको, कोई नहीं संभालता। लेकिन उस परिवार के बारे में किसी ने नहीं सोचा पिछले 75 साल के अंदर जो शहीद को पैदा करता है, जो ये कहता है कि बेटे मैं तो अपना देख लूंगी जैसे भी गुजर बसर होगा, अगर दुश्मन की बंदूक सामने हो तो गर्दन मत मोड़ना, पीठ मत दिखाना, सीने के ऊपर गोली खाना इस देश के लिए, उस मां का ख्याल कौन रखता है? किसी पार्टी ने नहीं रखा। 75 साल बाद एक शख्स आया अरविंद केजरीवाल, और मुझे फख्र है कि मेरी पार्टी ने फैसला किया अगर कोई शहीद होता है अपनी ड्यूटी करते हुए, फिर चाहे वो फौज में हो या पुलिस में हो, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देते हैं, 1 करोड़ रुपए। ताकि
ताकि उनको कभी भी पलट के देखना नहीं पड़े। उन्होंने देश के लिए इतना किया, अपना बेटा दे दिया, तो देश पलट के लिए उनके इतना नहीं कर सकता उनके लिए कि उनकी जिंदगी समझ जाए। शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि हम दिल्ली में भी देते हैं, हम पंजाब में भी देते हैं, जहां भी सरकार आएगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर वहीं पर देगी आम आदमी पार्टी। ये 7 चीजें हैं जो हम दिल्ली के अंदर फ्री में देते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, इनमें से कोई भी चीज हरियाणा में फ्री मिलती है आपको? कोई भी चीज मिलती है इनमें से फ्री हरियाणा में? किराए माफ थे वो भी लगा दिए। कोई चीज फ्री मिलती है इसमें से हरियाणा के अंदर तो बता दो, नहीं मिलती। उसके बावजूद हरियाणा पे 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। कितना? 3 लाख करोड़ का कर्जा। मतलब अगर आज हमारे घर पे कोई बच्चा पैदा हो तो 6 लाख रुपए का कर्जा लेके पैदा होगा। ऐसी हालत कर दी, इतना कर्जा। ये तो कहते थे हम बर्बाद करेंगे, फ्री दे के हम बर्बाद करेंगे। इन्होंने तो कुछ भी फ्री नहीं दिया और बर्बादी के कगार पे पहुंचा दिया। 6 लाख रुपए आप सबके सिर पे कर्जा है, सरकार के बही खाते में सबके ऊपर। तो आप खुद सोच के देखो कौन बर्बाद कर रहा है इस देश को। और दिल्ली में हमारे ऊपर 1 पैसे का भी कर्जा नहीं, दिल्ली सरकार के ऊपर इतनी सुविधाएं फ्री देने के बाद 1 भी पैसे का कर्जा दिल्ली पे नहीं है। यानी ये सब झूठ बोलते हैं, फ्री देने से देश बर्बाद नहीं होता। ये मंत्री फ्री में 4,000 यूनिट बिजली लेते हैं, ट्रेन में फ्री में सफर करते हैं, जहाज में फ्री में सफर करते हैं, फ्री में घर लेते हैं, फ्री में गाड़ी लेते हैं, तब नहीं हुआ देश बर्बाद। आपको अगर 200 यूनिट दे दें, 300 यूनिट दे दें तो देश बर्बाद हो जाएगा। झूठ बोलते हैं। ये 3 लाख करोड़ रुपए ये भ्रष्टाचार में लूट के खा गए सारे के सारे। कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जेजेपी सारे थैली के चट्टे बट्टे हैं। जिसको मौका मिला उसने आप लोगों की जेब से पैसा लूटा और अपने घर भरे, जिसको भी मौका मिला। किसी ने आपके लिए कुछ नहीं किया। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि ये निर्णय कर लो कि झाड़ू को अपनाना है। जहां झाड़ू का सिंबल दिखे वो बटन मशीन पे दबाना है, किस्मत उसी दिन से सुधरनी शुरू हो जाएगी। और 2024 में तो मैं दावा कर रहा हूं, 800-900 गांव के अंदर मैंने खुद सभाएं की हैं, मैं उसके आधार पे दावा कर रहा हूं 2024 में हरियाणा में पूरे बहुमत की सरकार बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती आम आदमी पार्टी की, कोई ताकत नहीं रोक सकती।